नेक्स्ट एक्सरसाइज लैंग्वेज प्रैक्टिस है। इसमें शुरू में दो सेंटेंसेस दिए हुए स्टडी के। भगत सिंह वॉज रीडिंग अ बुक, भगत सिंह बुक पढ़ रहे थे। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनकंट्रोल्ड, जो क्राउड थी भीड़ वो अनियंत्रित होती जा रही थी। लेसन में आपको दिया हुआ है द अबव सेंटेंसेस। द एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस, जो कार्य है वो प्रोग्रेस पर है, होता जा रहा है, हो रहा है। दिस सेंटेंसेस आर सेट टू बी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अलग से मैं टेंस पढ़ाऊंगी, पर अभी जितना आपके लेसन में है कि ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले इंडेफिनिट टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट जो आपके प्रीवियस लेसन में था, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टू फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए वी यूज वॉज वर द वर्ब प्लस आई एन जी। हम वर्ब का आई एन जी फॉर्म यूज करते हैं मेन वर्ब में, और हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर्ब सिंगुलर के साथ वर्ब वॉज और प्लूरल के साथ वर्ब का यूज करते हैं। अब आपको फिलअप करना है सेंटेंसेस। द रेवोल्यूशनरीज, आपको मालूम है प्लूरल है तो इसके साथ वर यूज होगा। सिंग यहाँ पर लिखा हुआ है तो आई एन जी लगा देंगे, सिंगिंग। द रेवोल्यूशनरीज वर सिंगिंग अ पेट्रियोटिक सॉन्ग। सेकेंड द क्राउड, आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि क्राउड के साथ हमेशा वॉज का यूज होता है, वर नहीं। तो द क्राउड वॉज रेजिंग लाउड स्लोगन्स। थर्ड भगत सिंह, सिंगुलर है वॉज लगेगा, वर उसमें दी हुई है आई एन जी लगेगा। भगत सिंह वॉज स्टैंडिंग बिटवीन राजगुरु एंड सुखदेव। सरदार किशन सिंह, इसमें भी वॉज लगेगा, सरदार किशन सिंह वॉज डिलीवरिंग हिज स्पीच। द पीपल, पीपल हमेशा प्लूरल आता है, द पीपल वर नॉट मूविंग फ्रॉम द प्लेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में दो सेंटेंस दिए स्टडी करने को। आई रीच द स्टेशन एट 8:15, मैं 8:15 पर स्टेशन पहुंच गया। द ट्रेन लेफ्ट एट 8 o'clock, ट्रेन 8 बजे गई थी। तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा काम पहले हुआ। मैं स्टेशन पहुंचा 8:15 पर, ट्रेन चली गई 8 बजे, तो दोनों एक्शंस एक तो पास्ट में हुए। लेकिन जो सेकंड वाला सेंटेंस है कि ट्रेन 8 बजे चली गई, ये पहले हुआ, 8 बजे ट्रेन चली गई, और कंपरेटिवली मैं बाद में पहुंचा 8:15 पर। ये आपके बुक में दिया हुआ है स्टडी करने को एग्जांपल। तो एक्शन जो जल्दी होता है, जो उन दोनों में कंपरेटिवली पहले होता है, तो उन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, जिसमें एक्शन जो एक्शन पहले हुआ होता है। जब इन दोनों को कंबाइन करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे तो ये बनेगा व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। पता चल जाता है कि मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन निकल चुकी थी। अब एक्सरसाइज आपके दिए हुए सेंटेंस, दो सेंटेंस। द सन रोज, सूर्य होगा। सेकेंड, आई वोक अप सम टाइम लेटर, मैं कुछ समय बाद जागा। तो आपको देखना है कि कौन सी घटना पहले हुई जिसको हमको पास्ट परफेक्ट बनाना है। तो सन पहले हुआ, द सन हैड राइजन बिफोर आई वोक अप। आपको सम टाइम लेटर इसमें हटा देना है कि मेरे जागने के पहले सूर्योदय हो चुका था। द फायर बर्न डाउन ऑल द हट्स, आग ने सारे झोपड़ियों को जला दिया। द फायर ब्रिगेड अराइव लेटर, फायर ब्रिगेड बाद में पहुंची। पहले वाला अपन उठाते हैं जो पहले घटना हुई है। द फायर हैड बर्न डाउन ऑल द हट्स, इसमें अपन ने हेड लगा के उसको पास परफेक्ट बना दिया कि फायर सारे हट्स को जला चुकी थी। व्हेन द फायर ब्रिगेड अराइव, जब फायर ब्रिगेड पहुंची, जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो फायर सारे हट्स को जला चुकी थी। आगे सेंटेंस ये है, आई डिड नॉट सी हिम फॉर मैनी ईयर्स, मैंने बहुत सालों से उसे नहीं देखा। सेकंड सेंटेंस, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एट वंस, मैंने उसे एक बार में नहीं पहचाना। आपको पास्ट बनाना है तो डिड हटाकर आप हेड लगाएंगे। आई हैड नॉट सीन हिम फॉर मैनी ईयर्स, सो मैंने उसे
बरसों से नहीं देखा था, सो आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम एट वंस, इसलिए मैं उसे एक बार में नहीं पहचान पाया। नेक्स्ट फोर नंबर, द मैच बिगन एट 10 AM, मैच 10 बजे सुबह शुरू हुआ था। द स्पेक्टेटर्स पैक्ड द स्टेडियम एट 9 AM, दर्शकों ने 9 बजे स्टेडियम बिल्कुल पैक कर लिया था, भर गया था, बैठ गए थे वहाँ पर। तो जाहिर है कि कौन सी घटना पहले हुई, 9 बजे वाली पहले हुई ना, इसलिए अपन इसको शुरू करेंगे बिफोर आफ्टर से, आपका ये सेंटेंस सेट हो जाता है। द मैच बिगेन आफ्टर, मैच बाद में हुआ ना, ये घटना बाद में हुई तो इसको अपन सिंपल रखते हैं। द मैच बिगेन आफ्टर, दर्शक पहले आ गए थे इसलिए इसको परफेक्ट में रखते हैं। द स्पेक्टेटर्स हैड पैक्ड द स्टेशन, द मैच बिगेन आफ्टर द स्पेक्टेटर्स हैड पैक्ड द स्टेडियम, दर्शकों ने जब स्टेडियम पैक कर दिया इसके बाद मैच शुरू हुआ। 5 नंबर, द टीचर सेड दे कुड गो होम, टीचर ने कहा कि वे घर जा सकते हैं, ये पास्ट की घटना है। दे डिड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट, उन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया था। पता चल जाता है कि चूंकि बच्चों ने असाइनमेंट नहीं किया था, होमवर्क नहीं किया था, इसलिए टीचर ने उन्हें घर जाने को बोल दिया नाराजगी में। तो कौन सी घटना पहले हुई भाई, पहले होमवर्क होगा ना, होमवर्क हो जाता तो टीचर खुश हो जाते, नहीं हुआ इसलिए वो नाराज़ हो गए। तो इस सेंटेंस किस तरह से सेट होगा, परफेक्ट आपको मालूम है, जो घटना पहले हुई उसको परफेक्ट बनाया जाएगा। द टीचर सेड दैट दे कुड गो होम, ये बिल्कुल वैसे का वैसे आ गया, बिकॉज ये रिलेट घटना रीज़न बता रही है, बिकॉज इसमें परफेक्ट आ जाएगा तो हैड लग जाएगा। दे हैड नॉट कम्प्लीटेड द असाइनमेंट, टीचर ने उन्हें घर जाने को बोला क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया था। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको वर्ब का करेक्ट फॉर्म बताया गया है। आपने देखा इसके पहले वाले लेसन में आपको पास्ट इंडेफिनिट बताया गया, फिर इसके बाद इस लेसन की जो ग्रामर की एक्सरसाइज पहले है इसमें आपको पास्ट कंटिन्यूस बताया गया। अब ये वाली जो आपने अभी अभी एक्सरसाइज की इसमें पास्ट इंडेफिनिट का आपका रिवीजन हो गया और पास्ट परफेक्ट आपने सीख लिया कि हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। अब इससे पास्ट परफेक्ट का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा ताकि आपका ये काम बहुत पक्का हो जाए। बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड, वही सेंटेंस का रिवीजन है जो आपने अभी दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया है, इसमें बनाया है आपको फिल करके रिवीजन करना है। तो बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर जब तक पहुंचे, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, तो पेशेंट पहले चला गया इस दुनिया से, इसलिए उसमें हेड लग जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, वी अंडरस्टूड द पोयम, हमें पोयम समझ में आ गई। आफ्टर द टीचर हैड एक्सप्लेन, टीचर के एक्सप्लेन करने के बाद, मतलब टीचर ने पहले एक्सप्लेन किया तब तो आपको समझ में आया, आप देखकर ही अंदाज लगा देंगे कि आपको कहां पर हेड लगाना है। व्हेन वी रीच द स्टेशन, सॉरी, व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल, जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे, द फिल्म हैड बिगन, फिल्म ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, फिल्म पहले शुरू हो गई। अब ये सेंटेंस चेंज है, मदर हैड मेड टी, माँ ने चाय बनाई। व्हेन वी वोक अप, जब हम जागे, तो मम्मा तो पहले ही चाय बनाती है, हम तो बाद में ही जागते हैं। आई थॉट यू हैड सबमिटेड योर एप्लीकेशन बाय द ड्यू डेट, आई थॉट इन्होंने पहले से दे ही दिया है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको हेड बनना है, कि मैंने सोचा कि तुम एप्लीकेशन ड्यू डेट तक सबमिट कर चुके हो गए। तो इस तरह से लेसन एक्सरसाइज से कंप्लीट हुआ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।